नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। देखिए दोस्तों, यूं तो हर माँ यही चाहती है कि आने वाला शिशु जो है वो बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, गोरा हो, अच्छा दिखे। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है, बच्चे का रंग जो है वो डल हो जाता है। तो बच्चे का रंग डल क्यों होता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में सीमित मात्रा में खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आने वाला शिशु आपका भी जो है वो साफ रंग का हो, गोरा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ये हर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। जब गर्भवती महिला के बॉडी में ये हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो होने वाले शिशु का जो रंग है वो प्रभावित होता है और डार्क होता है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो माता पिता का जो जीन्स है उस पे बच्चे का रंग डिपेंड करता है, यानी माँ बाप का जो कलर है उसके हिसाब से बच्चे का भी रंग होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं देखा जाता है, माता पिता का कलर कुछ और है और बच्चे का कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्या कारण है यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर प्रेग्नेंट औरत के लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन से जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो बढ़ती है, बॉडी में खून की मात्रा अच्छी होती है, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। लेकिन कभी कभार ये आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो चीज़ें खा रही हैं उसका सही तरीके से सीमित मात्रा में सेवन नहीं करती हैं। जैसे कि पालक है, चुकंदर है, जिसको बीट रूट बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी है, किशमिश है, अखरोट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन की मात्रा बहुत होती हैं। तो अगर आप सीमित मात्रा में सेवन करेंगी तो आपका जो है बैलेंस्ड है आपके हार्मोन का वो बना रहेगा और उसकी वजह से जो है बच्चे के कलर पे फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप अगर अत्यंत खाने में प्रयोग करेंगी आयरन की मात्रा वाली भोजन, तो फिर बच्चे के कलर पे इफेक्ट आ सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में ही आयरन युक्त भोजन लेना आज से शुरू करिए। उसके बाद सेकंड एक रीजन होता है कि जब आप धूप में बैठते हैं, बहुत देर तक धूप में बैठते हैं, वैसे तो ठंड के समय में हर किसी को धूप लेना चाहिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए धूप बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन डी की मात्रा होती है, वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन्स वगैरह को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये भी एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। आपको जब भी धूप में बैठना चाहिए तो मॉर्निंग का जो 7-8 बजे का धूप होता है वो धूप में बैठना चाहिए, या फिर इवनिंग का जो 5 बजे का धूप होता है, 4:30-5 बजे का ठंड के मौसम में जो धूप होता है वो मीडियम धूप रहता है, उस समय बैठना चाहिए। और ज़्यादा गर्मी में भी धूप में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाएंगे तो आपके बॉडी में जो हार्मोन है उसका स्तर बढ़ जाएगा, मेलानिन नाम का जो हार्मोन मैंने बताया, और उसकी वजह से जो है बच्चे के कलर पे इफेक्ट आता है, बच्चे का कलर डल हो सकता है। अब तीसरा कारण ये होता है दोस्तों कि कभी कभार क्या होता है कि जेनेटिकली ये आपके परिवार में अगर किसी का कलर ऐसा है, मान लीजिए माता पिता के कलर पे नहीं गया बच्चा, तो हो सकता है कि आपके प्रीवियस हिस्ट्री में दादाजी के तरफ या नाना जी के तरफ कलर किसी का ऐसा होगा डार्क, जिसकी वजह से बच्चे का भी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इन सारे चीज़ों में। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि केसर युक्त दूध जो है वो पीना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, नारियल पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपकी आयरन की मात्रा जो है उसका बैलेंस बना रहेगा और बच्चे का कलर भी इससे निखर के आता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं, मेन कारण जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद भी आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।